ओबीसी कमीशन के हमारे चेयरमैन भूपेंद्र जी, मंडी कमेटी के हमारे चेयरमैन राधेश्याम जी, दिल्ली के हमारे पार्षद रामराज जी के नेतृत्व का मतलब है कि मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते यहाँ पर संगठन खड़ा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, इस नाते उन्होंने कहा और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। तो काम के मामले में, संगठन के विस्तार के मामले में मैं मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जो इस यात्रा का मकसद था, शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, आंगनबाड़ियों का नियमितीकरण और इसके साथ साथ बुनकरों की जो बदहाली पूरे पूर्वांचल में है उसको दूर किया जाए, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए, गंगा जो मैली की मैली है उसकी सफाई के लिए 3600 करोड़ रुपए कागज में खर्च कर दिए गए, उसका आता पता नहीं है, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, इन सारे सवालों पर लेकर ये पदयात्रा हुई है। हमारे पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देश के अंदर जहाँ जहाँ रैलियाँ, सभाएँ, कार्यक्रम होते हैं पार्टी के जाते हैं। पंजाब का पूरा चुनाव हुआ, दिन रात वहाँ पर लग के उन्होंने मेहनत की। अभी छत्तीसगढ़ गए, मध्य प्रदेश गए, नोटबंदी हुआ तो उत्तर प्रदेश आए, दिल्ली की सरकार भी उनको चलाना है। दूसरे राज्यों में ज़्यादा जाने लगे तो मीडिया आलोचना करती है कि साहब दिल्ली का काम छोड़ दिया। अब वो दिल्ली का काम करते हुए दूसरे राज्यों में समय दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छे नेतृत्व का गुण है कि वो दूसरे जगहों पर नेतृत्व पैदा करें। वादे किए थे, जिस तरीके का सपना दिखाया था देश को आगे बढ़ाने का या बनारस के लोगों की समस्याओं के समाधान का, अब जबकि पार्टी पैदल यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं जमीनी अपना जो है जमीन तलाश रही है, तो क्या अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर उतरना नहीं चाहिए? बनारस की किस समस्या में हमारी पार्टी नहीं रही? बनारस की समस्या में हम इतने इन्वॉल्व रहे, मनोज जी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस आंदोलन में मैं नहीं था, बीएचयू के आंदोलन में, उसमें भी मेरे खिलाफ मुकदमा हो गया, मजिस्ट्रेट की जांच में मेरा नाम आ गया। तो बीएचयू के आंदोलन में हम रहे, मंदिर को तोड़ने का जब वहां पे अभी अभियान चल रहा है उसमें हमारी पार्टी प्रमुखता से वहां उस आंदोलन में है। जब जब बनारस में कोई भी घटना हुई, किसी के साथ भी हुई, आम आदमी पार्टी वहां खड़ी रही। ये देश के टुकड़े होंगे और आजादी के नारे की जो बात आप कर रहे हैं, हम देश के टुकड़े होने वाले किसी भी नारे का दूर दूर तक समर्थन नहीं करते, लेकिन मुश्किल ये है कि आज तक उसकी जांच सामने नहीं आ पाई। जिस कन्हैया के ऊपर आरोप लगा उसका जब फॉरेंसिक टेस्ट हुआ ऑडियो का, तो पता चला उसकी आवाज़ नहीं थी। तो पूरा सच जब देश के सामने ये सरकार लाना नहीं चाहती, गुमराह करना चाहती है, तो मुंह पे कपड़ा बांध के देश के टुकड़े होंगे के नारे किसने लगाए उसको सामने करना सरकार की जिम्मेदारी है, और जो लोग भी उसके लिए दोषी हों उनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, उनको जेलों में डालिए, सालों साल उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, हम कहाँ रोक रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा इसी सरकार ने 6000 मुकदमे पत्थरबाजों के वापस लिए, तो इस सरकार के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है कि आप बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें करते हैं, मंच से आप सूरमा भोपाली हो जाते हैं, और जब आपको जमीन पे काम करने को होता है तो आप पीठ दिखा के भाग आते हैं, ये कैसे होगा? तो हकीकत ये है कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सीमा का उल्लंघन कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर मोदी जी की सरकार में हुआ है। चाइना के अंदर, चाइना के सीमा पे हम लोगों को रोज जलालत झेलनी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? अलगाववादियों से बात होनी चाहिए, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, मध्यस्थता होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी का बहुत साफ मानना है कि जो हमारी विदेश नीति है वो लचर रहने से काम नहीं चलेगी। कभी आप बिना बुलाए चले जाते हैं, कभी आप कहते हैं हम बात नहीं करेंगे, आपकी विदेश नीति में कोई स्पष्टता नहीं है, और विदेश नीति के मामले में ये सरकार पूरी तरीके से रक्षा नीति, विदेश नीति के मामले में फेल साबित हुई है। आपको एक स्पष्ट नीति बनाना चाहिए। कश्मीर समस्या को लेकर हम लोगों का इतना साफ तौर पे मानना है कि कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतना चाहिए, जिस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतने का काम किया था। तो इस मामले में आज भी आप कश्मीर के अंदर जाइए तो लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेते हैं। एक लंबा समय रहा जब वहाँ पर हिंसा नहीं हुई, वो भले ही यूपीए की सरकार हो, लेकिन उस दौरान कश्मीर शांत रहा। 4 साल में ऐसा क्या किया आपने, कहाँ कहाँ आपकी कमियाँ रहीं, उसका आप आकलन कीजिए और उन कमियों को दूर करने के लिए काम कीजिए।
आप एक स्पष्ट नीति कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान को लेकर बनाई। कुमार विश्वास अभी पार्टी में ही है, तो ऐसा बुलाने का और अलग से बुलाने का तो कोई बात